चैप्टर पहला चल रहा था अपने, जिसका नाम था संबंध एवं फलन। तो संबंध हमने पढ़ लिया, संबंध के प्रकार पढ़ लिए, फलन और फलनों के प्रकार पढ़ लिए। उसके बाद में आई थी द्विचर संक्रियाएं। ये टॉपिक अपना चल रहा था द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है? कोई भी समुच्चय ए है तो ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित होती, मतलब दो अवयवों के बीच तुलना की जाती है और वापस क्या आता है? एक सिंगल एलिमेंट आता है। दो एलिमेंट की तुलना से वापस एक सिंगल एलिमेंट आता है, वो होती है द्विचर संक्रिया। ए क्रॉस ए में स्टार आएगी एक संक्रिया, स्टार प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, कोई घात भी हो सकती है। तो ये हम आज पढ़ेंगे। 1.4 एक्सरसाइज चल रही थी, कितने सवाल हुए उसमें? दूसरे सवाल में पांचवा चल रहा था, चार तक हो गए, दूसरे का पांचवा। जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक में एक संक्रिया दी हुई है स्टार, उसमें दिया हुआ है स्टार बी का मतलब। ए स्टार बी का मतलब है ए की घात बी। ये संक्रिया है। अब हमें देखना है ये संक्रिया क्रम विनिमेय और साहचर्य है या नहीं है। पहले क्रम विनिमेयता के लिए देखेंगे। क्रम विनिमयता देखिए, क्रम विनिमयता का मतलब ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए? बी स्टार ए आना चाहिए। ए की संक्रिया चाहे बी से कराओ, चाहे बी की संक्रिया ए से कराओ, बराबर आना चाहिए। देखो हम इसमें संक्रिया करा रहे हैं पहले की, किससे? दूसरे से। तो आ रहा है पहले की ऊपर घात कौन सा आएगा? दूसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट आधार आएगा और दूसरा एलिमेंट का आएगा घात में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम ए स्टार बी का मान। एक नंबर पे कौन है? ए। और इसकी घात कौन होगा? दो नंबर पे वो होगा। अब निकालो बी स्टार ए। बी स्टार ए आ रहा है बी की घात ए। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ए की घात बी और बी की घात ए बराबर नहीं होते हैं। तो ए की घात बी नॉट इक्वल टू बी की घात ए। ए और बी क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ए की घात बी बराबर नहीं है बी की घात ए के। एल एच एस दोनों के, आर एच एस बराबर नहीं है, तो एल एच एस बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। कोई भी दो समीकरण है उनके जो दायां पक्ष है वो बराबर नहीं होता है, तो बाएं पक्ष भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तब स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। ये क्रम विनिमेय कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। जैसे हमने ले लिया ए का मान दो और बी का मान तीन ले लिया, तो दो की घात तीन, दूसरा आएगा तीन की घात दो, बराबर होते है क्या? नहीं होते। दो की घात तीन का मतलब होता है दो गुणा दो गुणा दो, तीन की घात दो का मतलब तीन गुणा दो, तीन गुणा तीन, तीन का स्क्वायर नौ, बराबर नहीं होते हैं। अब लेंगे हम साहचर्यता। ये तो इसका नियम हो गया। आपने तीन संख्याएं ले ली, एक ए एक बी और एक सी जेड प्लस में। पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा ए स्टार बी स्टार सी। ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसमें, देखो पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, इसमें तो तीन जने आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर है कोष्टक के पहले उसी को हल करना है। तो एक नंबर कौन है? ए। और दो नंबर कौन है? बी। और ये स्टार सी है, स्टार सी है, तो स्टार तो सी स्टार सी लिखा जाएगा, क्योंकि अभी इसकी संक्रिया नहीं कर रहे।
हम इन दो की संक्रिया कर रहे हैं। पहले पे घात आएगा दूसरा, पहला कौन है ए, इसकी घात क्या आएगा, अब ये एक नंबर पे, और ये जब भी संक्रिया होती है तो पहले की घात दो, मतलब ए की घात बी तो पहले से ही था, और इसकी घात क्या आ जाएगी सी। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या होती है, गुणा, क्योंकि ए की घात बी थी और ऊपर वापस घात आ रही है सी। आगे बात समझ में, ये ए की घात बी कहाँ से आया, ये तो आ गया क्योंकि ये दोनों ए स्टार बी का मतलब ए की घात बी होगा, फिर स्टार सी है तो ये भी सी ऊपर लगेगा पूरे के। हाँ हाँ बढ़िया, ठीक है। अब आप निकालोगे, ए को अलग रखना है, बी और सी को साथ रखना है, ए तो अलग ही है, बी स्टार सी का मतलब बी की घात सी। अब ये एक नंबर, और ये एक नंबर पे ऊपर आएगा घात दो, मतलब ए एक नंबर ऊपर आएगी घात बी की घात सी, ये सेम टू सेम लिखना है, ए आधार आएगा और ये बी सी, बी की घात सी, तो इसके जस्ट ऊपर घात में आएगा। ये आ गया, ये पहले की घात आएगा दूसरा, तो दूसरा कौन है, ये पूरा ही है ना, तो इसको पूरे को सेम लिखना पड़ेगा बी, और यहाँ पे आएगा सी, तो ए की घात बी और ऊपर घात है सी, तो इसमें घात के ऊपर घात नहीं है, ऐसे लिखा हुआ था ए की घात बी और बार घात सी होती तो ए की घात बी सी हम इसको भी लिख सकते, लेकिन ए की घात ये सी है ना, जो घात किसकी है, बी की है, तो इसको हम गुणा में नहीं लिख सकते, इस तरह से लिखा हुआ। इसमें तो ये ए की घात बी है, इस पूरे की घात क्या होती है सी, इस पूरे की घात बार सी होती है, तो ये दोनों घातें गुणा होती है, जबकि इसमें जो सी घात है वो किसकी है, खाली बी की घात है, और इस ए पर ये पूरा है, तो दोनों बराबर नहीं है। अतः स्टार साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमेय तो है क्या, नहीं है, और साहचर्य भी नहीं है। छठा क्वेश्चन, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में एक संक्रिया दी हुई है, उन वास्तविक संख्याओं में माइनस एक शामिल नहीं है, माइनस एक को छोड़कर सारी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, मतलब ये नहीं है, ए स्टार बी का मतलब दिया हुआ है ए अपॉन बी प्लस ए। ये माइनस वन क्यों नहीं है, ये कह रहा है ए का और बी का मान माइनस एक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर माइनस एक होगा तो ये माइनस एक और ये प्लस एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हर में, और हर में कभी भी जीरो होता नहीं है, तो फिर संक्रिया परिभाषित नहीं होगी, जबकि ये कह रहा संक्रिया परिभाषित है, और परिभाषित है तो आपको बी का मान क्या होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, वन नहीं है वैसे। अब देखते हैं क्रम विनिमेयता, देखते हैं ए स्टार बी का मान निकालेंगे, वो आएगा ए बटा बी प्लस ए, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की जब आप संक्रिया कराओगे पहली की दूसरी से, तो वो आएगा पहली बटा दूसरी प्लस का एक, वो प्लस का एक तो हमेशा ही आएगा। अब निकालेंगे बी स्टार है, पहली संख्या कौन है इसमें, ऊपर लिखी जाएगी बी, बटा में लिखी जाएगी दूसरी संख्या ए, और प्लस ए,
ए बटा बी प्लस एक बराबर नहीं होता बी बटा ए प्लस एक, किसके लिए? फॉर एवरी ए और बी, अगर कोई भी आप दो वास्तविक संख्या लो तो ये हमेशा बराबर नहीं होते, और नहीं होते तो ए स्टार बी बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के। बराबर नहीं है तो क्या है? संक्रियाक्रम विनिमय नहीं है, साहचर्यता देखेंगे। आपको तीन एलिमेंट लेने हैं, इस समुच्चय के तीन एलिमेंट है। पहले आप निकालोगे ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब पहले ऊपर वाला और बटा में एक नंबर वाली संख्या, फिर बटा में दूसरी संख्या और प्लस का एक, और अब आएगा स्टार सी। ये आ रही है पहली संख्या, तो पहली संख्या ऊपर लिखी जाएगी, तो स्मिथ बटा में पूरी के नीचे आएगा, इसमें ये जुड़ेगा। एक नंबर कौन सा है? ये पूरा एक नंबर है ना, और ये दो नंबर है, तो एक नंबर लिख दिया, बटा में लिखेंगे दो नंबर, और ये बटा में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन सी प्लस एक, ए बटा बी प्लस एक, तो ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस वन सी प्लस वन। अब निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों को हमें साथ लेना है, एक को अलग रखना है। ए अलग रखो तो ये तो अलग ही रहेगा, संक्रिया नहीं करेगा, पहले बी और सी करेगा। एक नंबर पे कौन है? बी, बटा दो नंबर पे सी और प्लस ए। अब इनकी संक्रिया होगी, ये एक नंबर पे होगा और ये पूरा दो नंबर पे, ऊपर आएगा एक नंबर वाला, तो ये एक नंबर ए बट्टा दो नंबर वाला, और प्लस क्या आएगा? इसका लसप लेना पड़ेगा। ए बटा, इसमें अंश बटा हर में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है तो बटा में एक लिख देंगे, लसप लेंगे, क्या आएगा? सी प्लस एक आएगा। इसका भाग इसी में देंगे, एक बार आएगा, एक को बी से गुणा करेंगे बी, इसका भाग इसमें देंगे सी प्लस आएगा वन, सी प्लस वन को वन से गुणा करेंगे, ये तो संख्या नीचे संख्या अंश बटा हर में लिखी हुई है, तो भाग वाली संख्या में जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है? ऊपर वाली अंश से गुणा होता है, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस वन बट्टा बी प्लस एक। क्या ये दोनों बराबर है? आर एच एस बराबर नहीं है ना, इसका मतलब एल एच एस भी बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो ये स्टार जो होगी वो क्रम विनिमेय नहीं होगी, साहचर्य भी नहीं होगी, ये क्रम विनिमेय भी नहीं होगी, दोनों ही नहीं होगी। ये तो निकाल लोगे सीधा, इसमें समझ लो एक बार कैसे आया है। ए और बी दो एलिमेंट है, जब भी इनके बीच में स्टार आता है तो ऊपर लिखा जाएगा पहला एलिमेंट, यहाँ लिखा जाएगा दूसरा एलिमेंट, और प्लस में क्या लिखा जाएगा? ए। यहाँ आपने ये आ रहे हैं, ये सी तो अलग ही है पहली बात, इसको तो अलग ही रखना। अब इनमें देखो एक नंबर और दो नंबर, एक और दो, ये तो क्या हुआ? वैसे ए स्टार बी का मतलब होता है ए बटा बी प्लस ए, दूसरी बार में ये एक नंबर पे और ये दो नंबर पे, एक नंबर वाला ऊपर लिखेंगे तो ये लिख लिया एक नंबर वाला ऊपर,
बटा में दो नंबर वाला लिखेंगे, ये एक नंबर, ये आएगा दो नंबर, और प्लस क्या आएगा, एक। अब देखो ये बटा में है तो इसको एक बटा सी प्लस एक लिख सकते हैं, भाग में है तो उसको अलग लिख सकते हैं एक बटा में, और इसको ऐसे जैसे लिखा हो वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा एक, और ए से गुणा होगा ए बी प्लस वन सी प्लस वन, तो ये आ जाएगा। इसमें पहले बी और सी की संक्रिया कराएंगे तो बी बटा सी प्लस एक, क्योंकि ये बी एक नंबर पे है, सी दो नंबर पे है, प्लस एक, एक और ये दो होगा। ये तो अब इन कोई नंबर ही नहीं है इसका, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अलग है, इसके साथ संक्रिया नहीं हो रही। नंबर कब लगेगा, जब संक्रिया में शामिल होगा। अब ये आ गया रिजल्ट, आ गया ये। अब यहाँ कोई संक्रिया नहीं होने वाली, अब होगी संक्रिया इन दोनों के बीच, तो ये दोनों संक्रिया में शामिल हो रहे हैं, ये एक नंबर है और वो दो नंबर है, एक नंबर ऊपर लिखेंगे नीचे दो नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस करेंगे एक, ये अंश बटा हर में, तो इसको भी अंश बटा हर में लिखेंगे ताकि लसअप ले सके, इसको बी से गुणा कर देंगे बी आ जाएगा, इसको इधर गुणा कर देंगे सी प्लस एक आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट करना चाहो। और ये अंश बटा हर में कोई संख्या है, और इसमें जो बटा में है उसमें भी अंश और हर आ रहा, तो इसका हर वापस ऊपर वाली के अंश से गुणा होगा, या फिर इसको भाग में है गुणा में बदल दो तो उल्टी हो जाएगी संख्या और गुणा हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नहीं पता चले कैसे गुणा होगा तो ये देख लो, गुणा में बदल दो, गुणा में बदलोगे तो सी प्लस वन ऊपर लिखा जाएगा और बी प्लस वन नीचे लिखा जाएगा, भाग में था गुणा में बदल दिया, गुणा में बदलोगे तो संख्या उल्टी हो जाती, ऐसे भी कर सकते हो आप। संग्रह स्टार क्रम विनिमेय नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। इसमें आप लास्ट में लिख देना ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं आए ना दोनों, तो ये तो लिखोगे और ये लिखोगे, इसका मतलब संक्रिया जो है वो साहचर्य नहीं है, ये लाइन भी लिखनी जो लिखना आपको पता ही इसमें। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ समुच्चय दिया हुआ है, उसमें एक संक्रिया दी हुई है, नाम नहीं दिया हुआ था, हम इसका नाम मान लेंगे ए है, क्योंकि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इंग्लिश के। कहाँ तक है, पांच तक है। संक्रिया दी हुई है इस तरह की, इसका मतलब होता है निम्नतम लेना है, किसमें से ए और बी में से जो छोटा है वो लिखना है, दोनों नहीं लिखने, ए और बी की संक्रिया होगी तो दोनों में से जो छोटा होगा वो आएगा, इसकी संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, ये संक्रिया सारणी बनेगी,
यहाँ पे जो चिन्ह आएगा, जो संख्या है वो आएगी, ये आ गई संख्या। संख्या कितनी दी हुई है, आपस में सबकी संख्या करानी है, वन की वन से करानी, वन की टू से, वन की थ्री से, वन की फोर से। तो वन की वन से हो जाएगी, वन की टू से हो जाएगी, वन की थ्री से हो जाएगी, वन की फोर से हो जाएगी, वन की फाइव से हो जाएगी। वन की वन से कराओगे मतलब वन, इसका मतलब होगा न्यूनतम लेना है वन कोमा वन। इन दोनों में से छोटा कौन है, दोनों बराबर ही है, कोई भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, इसकी इसकी संक्रिया कराओगे, इन दोनों में से छोटा कौन है, वन ही तो है, वन लिखेंगे। अब इस वन की संक्रिया कराएंगे टू से, मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है छोटे से छोटे, दोनों में से जो छोटा वो लिखना हमें इसमें, कौन है दोनों में छोटा, एक ही है। वन की संक्रिया थ्री से करानी है, मतलब होगा मिनिमम वन और थ्री में से वन ही होगा मिनिमम, वन और फोर में से वन, वन की संख्या फाइव से वन, टू की संख्या वन से कराओ, मिनिमम छोटा कौन है, वन है ना, टू की संख्या टू से कराओ, टू ही आएगा, टू की संख्या थ्री से कराओ, फोर से, फाइव से, छोटा तो दो ही है ना, थ्री की संख्या कराओ वन से, थ्री वन तो वन, थ्री की टू से दो, थ्री की थ्री से, दोनों बराबर ही है, थ्री की फोर से और थ्री की फाइव से कराओ। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा समोच्चय सेम ही दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव, या फिर सीधा मानने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ समोच्चय लिख सकते हैं। ये हो गया सेट, इस द्विआधारी संक्रिया को देखना है और आपको ज्ञात करना है, पहला दो स्टार तीन स्टार चार, पहला ये देखेंगे, हो गया कोई संक्रिया सारणी दी हुई है आपको,
पहले ये निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 की संख्या करानी है 3 से, तो 2 की संख्या 3 से कराओ। ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2 वाली लाइन और 3 वाला स्तंभ, 2 वाली पंक्ति 3 वाला स्तंभ देखना है। 2 की संख्या करानी है 3 से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसको इधर और इसको इधर रखोगे, जहां पर ये दोनों क्रॉस होते हैं वो होगा 2,1। तो 2 की संख्या 3 से कराओगे तो कितना आएगा? एक स्टार। स्टार के आगे क्या लिखा हुआ है? 4 ही लिखा हुआ है ना, ये तो सेम आएगा। अभी हम संक्रिया थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो ये संक्रिया हुई है 2 स्टार 3, क्योंकि आपको पता है 2 स्टार 3 है 1। 1 की संख्या कराओगे 4 से, तो ये रहा 1 और वो रहा 4। 1 वाली लाइन और 4 वाला स्तंभ बराबर आएगा 1। अब आप क्या करोगे? 2 स्टार ये भी ज्ञात करना है, तो पहले संक्रिया 2 के तो होगी नहीं, कोष्टक में 3 और 4, तो 3 और 4 की संक्रिया करवाते हैं हम। 1 ही है ये 3 और ये 4 1। 2 की संक्रिया कराओगे 1 से, ये 2 और ये 1 बराबर आएगा वो, ये लिखना है। सेकंड पूछा है क्या स्टार क्रम विनिमेय है? कैसे पता चलेगा हमें? जैसे हम 1 की संक्रिया 2 से कराओ, चाहे वापस 2 की 1 से कराओ, सेम आना चाहिए। तो क्रम विनिमेय होने के लिए पहली जैसी पंक्ति है वैसा ही पहला स्तंभ होना चाहिए, दूसरी पंक्ति जैसा ही दूसरा स्तंभ होना चाहिए, तीसरी पंक्ति जैसा तीसरा स्तंभ होना चाहिए, चौथी पंक्ति और चौथा स्तंभ सेम होना चाहिए, पांचवी पंक्ति और पांचवा स्तंभ सेम होना चाहिए, तब तो वो क्रम विनिमेय है। क्या तीसरा कौन सा? नहीं, ये देखो यहां से स्टार्ट करो, 1 1 1 1 और 1, तो वापस इसमें भी 1 1 1। अब इसमें देखो 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1 से हमारा। तीसरी तीसरे वाली देखो 1 1 3 1 1, तीसरी में इसमें देखो 1 1 3 1 1 से हमारा। चौथी देखो 12 14 1, 12 14 1, और पांचवी देखो ये पांचवी 11 फिर 11 फिर 5, तो इसमें भी 11 फिर 11 और फिर 5। मतलब जैसी पंक्तियां वैसे ही क्या है? स्तंभ है। सभी पंक्तियां और स्तंभ है जो भी है उनके अवयव समान है, इसलिए ये क्या होगी? क्रम विनिमेय होगी, नहीं तो नहीं होती। अगर एक इस तरह से आता, ये पहली पंक्ति 1 2 3 4 1 ऐसे आ रहा, और ये वापस 1 2 3 4 और यहाँ वापस 3 आ जाता, तो फिर ये क्रम विनिमेय नहीं होगी। क्रम विनिमेय होने का मतलब ये होता है, 2 की संक्रिया चाहे 3 से करो, 2 की 3 से करोगे 1 आएगा, वापस 3 की भी 2 से करो 1 ही आएगा, 5 की संक्रिया 4 से करो 1 आएगा, वापस 4 की भी 5 से करो 1 ही आएगा। और ये क्रम विनिमेय कब होती है? जब सभी पंक्तियां और सभी स्तंभ आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। पंक्ति पहली पंक्ति देख लो, ये पहली पंक्ति है R1। R1 का मतलब रो बोलते हैं इसको, रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ।
ये आर वन और सी वन बराबर होना चाहिए, सेम। आर टू और ये सी टू सेम होना चाहिए, सी थ्री और आर थ्री सेम होना चाहिए, आर फोर और सी फोर सेम होना चाहिए, ये आर फाइव और ये सी फाइव सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो फिर ये क्रम विनिमेय है। सारणी में ऐसा पता चलता है। एक एक एलिमेंट हम कैसे करेंगे, पांच की तीन से करो, फिर तीन की पांच से करो, तो ये पांच और ये पांच 25 बार संक्रिया करनी पड़ेगी। 25 बार कर सकते हो क्या एक सवाल में? एक नंबर का सवाल आएगा, पूछेगा क्रम विनिमेय है या नहीं है, तो फिर आप संक्रिया से नहीं पता करोगे। इसमें सारणी में क्या होता है, इसको देखो इसको देखो सेम आना चाहिए, इसको देखो इसको देखो सेम आना चाहिए, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये। तो ये जो संक्रिया सारणी है, पंक्तियों तथा संगत स्तंभ। संगत स्तंभ का मतलब पहली पंक्ति देखोगे आप तो आप स्तंभ भी कौन सा देखेंगे, पहले ही देखेंगे। ऐसे नहीं ये पहली पंक्ति देख ली और चौथा स्तंभ देख लिया तब तो अलग अलग हो, नहीं। संगत स्तंभों के अवयव समान है। अतः जो स्टार है संक्रिया वो क्या है, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय का मतलब होता है ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। ए और बी जो है वो इस समुच्चय के एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें से आप कोई भी एलिमेंट ले सकते, इसी में से तो आएंगे। एक से पांच तक ही तो होगी संक्रिया, उससे आगे तो होगी नहीं। तो कोई भी दो एलिमेंट लोगे ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आएगा, तो ये इससे पता चल जाता है। चेक करके आप सारणी में बताओगे तो हो जाएगा सही, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। इसका मान ज्ञात करना, दो स्टार तीन स्टार चार स्टार पांच, कोष्ट के अंदर जो है उसको पहले हल करना है। तो दो स्टार तीन देखो, दो की संक्रिया तीन से कराओ, ये रहा दो ये रहा तीन, ये पंक्ति लेनी है और ये स्तंभ लेना, क्या आएगा दो स्टार तीन का मान, एक ही तो आएगा, ये तीन दो और ये तीन, कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे दो और तीन, तो ये कहेगा दो स्टार तीन तो एक हो गया, बीच में आ रहा स्टार चार स्टार पांच, ये रहा चार पांच का सबसे लास्ट, ये रहा पांच, कहाँ क्रॉस होंगे, एक बार एक की संक्रिया एक से करानी है, वन और ये भी वन बराबर आएगा। ये सवाल तीसरा आ गया समझ में, इससे संक्रिया सारणी से हमें करना है। संक्रिया सारणी बना सकते हैं और संक्रिया सारणी बनी हो तो उससे ऐसे सवाल भी कर सकते हैं। हम लिखना गई है ये
दिया। पांचवा सवाल, एक समुच्चय दिया हुआ उसको आपने मान लिया ये समुच्चय है, 1 2 3 4 और 5, इस समुच्चय ए पर एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है स्टारडेस। ए स्टार पे डेस लिखा हुआ बी बराबर आ रहा वापस, क्या आ रहा बराबर? ए तथा बी का एच सी एफ। अच्छा अच्छा इसके द्वारा परिभाषित है, तो हम हमें एच सी एफ निकालना है। ये संख्या आ गई, कहां से लेंगे हम संख्या? 1 2 3 4 5, वन और वन का एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जाता हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भी भाग जाता है और इसमें भी भाग जाता है, क्या होती है? एक। वो बड़ी से बड़ी संख्या वन तथा दो का एच सी एफ, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है, एक में भी जाता है दो में भी जाता है, एक। एक की संख्या तीन से कराओ, ऐसी संख्या जिसका एक में भाग जाता है तीन में भी जाता है, वन। वन और फोर का एच सी एफ वन, वन और फाइव का एच सी एफ भी वन होता है, क्योंकि वन का एच सी एफ चाहे किसी के भी साथ में लो वन ही आता है। फिर 2 स्टार 1, दो और एक का एच सी एफ एक आएगा, दो और दो का एच सी एफ, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है, दो और तीन का एच सी एफ। जब दोनों का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जाता है, तो दोनों में तो भाग एक का ही जाता है और तो किसी का जाता ही नहीं है, दो और तीन में। जो संख्या सहअभाज्य होती है उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? एक होता है, ये सहअभाज्य है क्योंकि इनमें किसी भी संख्या का और का भाग नहीं जाता। दो और चार का एचसीएफ दो, दो और पांच का, क्योंकि दो और पांच का कोई अभाज्य सेम गुणनखंड है क्या? नहीं है। तीन और एक का कोई अभाज्य गुणनखंड है क्या दोनों में? सेम नहीं है। तीन और दो में भी नहीं है। तीन और तीन का वापस तीन, तीन और चार का एक, तीन और पांच का एक, चार और एक का एक, चार और दो का एच सी एफ दो, चार और तीन का वापस एक ही आएगा, और चार और चार का चार आएगा, चार और पांच का एक आएगा, पांच का एक से एच सी एफ, पांच और दो सेम संख्या एक का ही भाग जाता है, पांच और तीन में एक का ही भाग जाता है, पांच और चार में भी एक का ही भाग जाता है, पांच और पांच में पांच का भाग जाता है, इसलिए ये होंगे एच सी एफ, ये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा सवाल? क्या संक्रिया स्टार डेस चार में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? देखो चौथे सवाल में और पांचवे में सारणी सेम आई क्या? सेम है, इसका मतलब संक्रियाएं भी समान है। संक्रियाएं समान कब होती है? पहली बात तो जो समुच्चय है वो क्या होना चाहिए? सेम। समुच्चय सेम है तो सारणी भी क्या होगी? सेम। तब दोनों संक्रियाएं सेम होगी। तो आपको ये लिखना है,
क्यों समान है? क्योंकि दोनों संक्रिया सारणी समान है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको करना है, उसमें एलसीएम आया हुआ इस एचसीएफ की जगह, आपको एलसीएम तो लेना आता ही है। इसके बाद नंबर सवाल है, उसमें आपको बताना कौन सी संक्रिया क्रम विनिमेय है और कौन सी साहचर्य है, तो नंबर भी आपको होमवर्क में करना है। कोई सवाल नहीं आता है तो पूछ लेना, कल एक बार घर पे ट्राई करनी है आपको। क्रम विनिमेय का मतलब ए स्टार बी फिर बी स्टार ए निकालना है, दोनों बराबर आने चाहिए। साहचर्य में ए बी की संक्रिया करानी है, फिर बाद में सी से करानी है, और वापस दूसरी बार में ए को अलग रखना, पहले बी और सी की संक्रिया करा के वापस ए से करानी है। तो जैसे आपने दूसरा सवाल किया था ना पूरा वैसे ही है, दूसरा और नंबर सेम है। दसवां कल बताएंगे। तो ये कर लेना, एक सातवां एक नंबर सवाल, ये दोनों होमवर्क करने।